नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम है बृजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे बृजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। 5 मार्च मंगलवार, आज क्या उपाय किया जाना चाहिए आपको ये बताने वाला हूँ। आपको ये बता दूँ कि शिवरात्रि के बाद भी एक उपाय करना पड़ता है, तो आज हम वही उपाय करेंगे। ये एक तरह से उपाय भी है, टोटका भी है, जो आपको लाभ देगा। शिवरात्रि जब भी, पूरी उम्र याद रखिए कि जब भी शिवरात्रि हो उसके अगले दिन ये उपाय अवश्य कीजिए। क्या करना है? एक तो एक गिलास पानी कहीं बाहर से अपने निवास पर लाइए, किसी मंदिर से ले आइए, किसी शबील से ले आइए, जहाँ प्याऊ बने होते हैं लोगों के पानी पीने के लिए, वहाँ से ले आइए और उसका जल का अपने निवास पर छिड़काव कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है, इससे पवित्रता पूर्ण रूप से बनी रहती है और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वो सदा के लिए आपके निवास पर रहती है और नेगेटिव वाइब्रेशन आती नहीं है। इसी के साथ पीले रंग की कोई वस्तु दान कर दीजिए, कोई, चाहे आप पीली दाल दान कर दीजिए, पीला वस्त्र दान कर दीजिए, बेसन दान कर दीजिए, कुछ भी दान कीजिए, पीली मिठाई दान कर दीजिए। ये है आज का मेन उपाय। और याद रखिएगा कि शिवरात्रि की पूजा का पूर्ण लाभ लेना है तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। स्मरण रहे कि शिवरात्रि की पूजा का लाभ लेना है तो आज का ये जरूर करना है। आज का जो ये टोटका है ये बहुत लाभ देता है। आप जानते हैं मैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं। यानी किसी पर कौन सी राशि चल रही है, किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसका कोई विचार नहीं है। ये जो मैंने उपाय बनाए होते हैं ये गोचर राशि ग्रहों को देखते हुए संयुक्त रूप से बनाए होते हैं, जो आपको लाभ देते हैं, आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और आपके सभी ग्रहों को उच्च करते हैं। यदि परिवार का एक सदस्य करता है, ऐसे हाथ में जल ले ले, ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले ले और संकल्प करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, इसका फल फला फला व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले, और फिर जल ऐसे ज़मीन पर गिरा दें तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। यानी ये ऐसे टोटके हैं, ऐसे उपाय हैं जो आपका बहुत उद्धार कर सकते हैं। इनको आम मत समझिए, मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, प्रतिदिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मेरी इच्छा ये है कि आप खुश रहें, मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सारा धन आए, मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पति, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता, कोई भी आपसे नाराज है तो मिलन हो जाए। मैं ये चाहता हूँ आपका कर्जा उतर जाए, मैं ये चाहता हूँ आपका अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए। तो इसलिए नए नए टोटके, नए नए उपाय ढूंढ कर लाता रहता हूँ। तो आप कीजिए, दिल से कीजिए। वैसे आपको बता दूं कि यदि कोई प्रबल समस्या हो, जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अब जन्म कुंडली में यदि 5वें घर में राहु बैठे हैं और बहुत शक्ति लेकर बैठे हैं तो बेटे की प्रॉब्लम आएगी, परंतु उसका उपाय क्या है? पति पत्नी की दोबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा। आप सभी मत करना शुरू कर देना, ये देखना पड़ता है जन्मपत्री में, अलग अलग उपाय होते हैं। तो जन्मपत्री में प्रत्येक समस्या का हल छिपा हुआ है, सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। हम ढूंढते हैं फिर आपको हल बताते हैं। कई बार होता है बहुत प्रबल योग है, वो योग कार्य नहीं करता है, जब उस योग में कार्य होता है तो सब कुछ होने लगता है। यानी योग है, योग ने आपको विदेश भेज दिया, अब वो एक्टिवेट नहीं है, आप विदेश गए, वहाँ कामयाब नहीं हो रहे हैं, परंतु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप कामयाब हो गए। तो ये सब कुछ जन्मपत्री में होता है, परंतु ये जो टोटके हैं बहुत अहम होते हैं, इनको कीजिए,
जितना कर सकते हैं कीजिए, किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कोशिश कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जैसे चक्रवर्ती ब्याज होते हैं ना, मूलधन फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है, फिर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ऐसे जब आप लोगों को शेयर करते हैं और वो देख कर उपाय करते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो जो पुण्य प्राप्त होता है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। तो इस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रिज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्मपत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देख कर ही बताते हैं, परंतु जन्मपत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।